और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम फॉर लूप, हम स्टार्ट कर रखा था। फॉर लूप के अंदर फैक्टोरियल का आपका प्रोग्राम रहेगा और फॉर लूप के अंदर स्क्वायर और क्यूब का प्रोग्राम आपको करवाया जाएगा। फॉर लूप के अंदर किस चीज का फैक्टोरियल और स्क्वायर एंड क्यूब का प्रोग्राम आपका स्टार्ट। अब जो अपनी सी लैंग्वेज को क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं। सी लैंग्वेज हमने क्या की, ओपन। ऑल्ट प्लस एंटर से सी लैंग्वेज का साइज क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे डबल स्लैश जो यूज करते हैं वो किस लिए होता है, लाइन को हाइड करने के लिए। अब इसमें क्या हमने स्टार्ट किया, फॉर लूप इन फैक्टोरियल। जो प्रोग्राम है अपना फॉर लूप के अंदर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टर बनाना। जैसे हमारा क्या 5 का फैक्टर कितना होएगा, 120। इस टाइप से हम फैक्टर तैयार करते हैं। अब यहाँ पे किसका यूज किया हमने, हैश का यूज किया। हैश किस लिए यूज होता है अपना, इंक्लूड यानी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए हमने किसका यूज किया, हैश का यूज करते हैं। इंक्लूड क्या होता है, शामिल होना। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। अब सेकंड हेडर फाइल हमने स्टार्ट की कोनियो। कोनियो हेडर फाइल हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोनियो की फुल फॉर्म क्या रहेगी अपनी, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। जो अपनी stdio हेडर फाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, प्रिंट अप और स्कैन अप के लिए। जो अपनी कोनियो हेडर फाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, clr scr और get ch के लिए कोनियो हेडर फाइल का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, void। void क्या होता है, null। main क्या होता है, function। main क्या रहेगा अपना, function। यानी यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है, curly bracket open और curly bracket close। इस function की हम curly bracket को open करते हैं, close करते हैं। फिर हमने किसका यूज किया, long integer। long integer क्या होता है, बड़ी value के लिए। जैसे खाली integer लिखते थे वो किस लिए लिखते थे हम, शॉर्ट लैंग्वेज के लिए, शॉर्ट नंबर के लिए। और लॉन्ग इंटीजर किस लिए लेते हैं, बड़ी वैल्यू के लिए। यानी लॉन्ग जो भी हमारी वैल्यू लिखी जाती है उसके लिए किसका यूज करेंगे, लॉन्ग इंटीजर का यूज करते हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल हमने क्या लिया, के लूप चलाया, के का लूप लेंगे। फैक्ट किसके इक्वल है, फैक्ट वन से चले और नम मतलब कोई भी नंबर, सेमीकोलन एंटर। अब यहाँ पे clr scr क्लियर स्क्रीन। CLR SCR किस लिए यूज किया जाता है अपना, क्लियर स्क्रीन के लिए इसका यूज किया जाता है कि पहले वाले आउटपुट को क्लियर करे और अब वाले आउटपुट को शो करे। फिर हमने यहाँ पे किसका यूज किया, प्रिंट अप किया। प्रिंट अप किस लिए होता है, किसी भी लाइन को डिस्प्ले पे देखने के लिए। यहाँ पे क्या यूज किया, प्रिंट अप में एंटर द नंबर, एंटर द नंबर इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद सेमी कोलन। फिर हमने क्या डाला, स्कैन अप। स्कैन अप किस लिए यूज करते हैं, किसी भी वैल्यू को स्कैन करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्कैन अप का। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे परसेंट डी इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा एंड परसेंट नंबर, नंबर को हमने क्या किया, प्रिंट अप और स्कैन अप। फिर हमने क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे फोर लूप स्टार्ट करते हैं। फोर लूप स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर कंडीशन कौन कौन सी डालते हैं, इंटीलाइज वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू। अब इसमें स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या डाला, के वन से चले और के किसके अकॉर्डिंग चले, नंबर के अकॉर्डिंग चले और के में क्या चले, प्लस प्लस हमारा यहाँ पे शो करे। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंटर। अब फैक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई के। फैक्ट किसके अकॉर्डिंग चलेगा, के अकॉर्डिंग अपना फैक्ट चलता है। अब इसके अंदर फैक्ट को क्या करवाओगे, प्रिंट अप करवाएंगे। फैक्ट को क्या किया है, प्रिंट अप। वो कैसे करेंगे, फैक्ट को प्रिंट अप, यहाँ पे सेमीकोलन प्रिंट अप। प्रिंट अप के अंदर स्लैश एन लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, परसेंट एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए परसेंट एल डी यूज करेंगे, क्योंकि हमने किस में ले रखा है, डाटा टाइप लॉन्ग इंटीजर के अंदर। तो लॉन्ग इंटीजर के लिए किसके यूज करते हैं, एल डी का यूज करेंगे। सिंगल कोमा, आप यहाँ पे फैक्ट को प्रिंट करवा दे। फिर हमने सेमीकोलन यूज किया एंटर। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद, फोर वाली कर्ली ब्रैकेट क्या की हमने, बंद। फिर हमने किसका यूज किया, गेट सी एच। गेट सी एच किस लिए यूज होता है, गेट कैरेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी आउटपुट को, आउटपुट के रिजल्ट को देखने के लिए किसका यूज करेंगे, गेट सी एच का यूज करते हैं। एफ टू से फाइल को क्या करोगे, सेव।
F2 से फाइल को हमने सेव किया, यहाँ पे किस नाम से डाल दिया, FA.C के नाम से फाइल सेव हो चुकी। अब ऑल्ट F9 करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है अपना प्रोग्राम। एंटर यानी एरर को चेक कर रहा है, एरर कुछ नहीं है तो क्या दिखा रहा है, सक्सेस। कंट्रोल F9 करते हैं, कंट्रोल F9 किस लिए होता है, प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब इसके अंदर क्या दिखा रहा है, एंटर द नंबर, नंबर हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 6 डाला, तो 6 तक अपने क्या है फैक्टर यहाँ पे बना के दिखाएगा। 6 तक फैक्टर कितना आ गया, 6 का फैक्टोरियल 720। ये फैक्टर कैसे बना ये आपको यहाँ पे एग्जांपल समझा देते हैं अच्छी तरह। जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला है, फैक्ट इक्वल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने डाल दिया नंबर, नंबर हमने क्या डाला, नंबर की वैल्यू जो है हमने 5 डाल दी। अब जो अपना फैक्टोरियल वो कहाँ तक निकलेगा, 5 तक। फिर हमने यहाँ पे लूप चलाया, k का लूप चलाया, k 1 से चले और 5 तक चलेगा क्योंकि नंबर तक बोल रखा हमने। अब जो k अपना वो कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 तक चला। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटू k इंटू क्या डाल दिया हमने, फैक्ट। k किसके अकॉर्डिंग, फैक्ट से मल्टीप्लाई हो जाए और उसका आंसर किसके अंदर आए, फैक्ट के अंदर आउटपुट आए। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, जो अपना फैक्ट है वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल है, तो इनटू 1। अब अपना फैक्ट क्या आ गया, 1। उसके बाद जो फैक्ट हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल 2 आ गया, 2 1 2। अब तीसरा क्या है, यानी थर्ड, इनटू अब जो फैक्ट है वो किसके इक्वल है, 2 के, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया, यानी 3 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 6। अब जो 4 है, 4 का फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 अपना फैक्ट आया हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने डाला है 5 इंटू, अब जो अपना फैक्ट है वो कितना है, 24, तो इसमें कितना आ जाएगा, 120। इस टाइप से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब कितने का, जितने का भी 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 5 तक दिखाएगा। अब ये क्या है, अपने यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अपने को कट करना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम्पल बताया कि इस टाइप से आप यहाँ पे फैक्टर निकाल सकते। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है, जैसे ही इसको कट किया हमने, शिफ्ट के साथ डेल बटन प्रेस करोगे तो अपना कट होता है। उसके बाद फिर आपका कंट्रोल F9 किया हमने, इसको रन किया, 5 डालोगे तो देखो 5 का फैक्टर अपना कितना आ गया, 120। ये अपना फैक्टोरियल का प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको बताया कि फोर लूप के अंदर स्क्वायर, फोर लूप के अंदर किस चीज का प्रोग्राम हम करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, अपना स्क्वायर जो होता है यानी वर्गमूल, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, जैसे 2 का वर्ग कितना हो गया अपना 4 दिखाएगा, 3 का वर्गमूल कितना होएगा अपना 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 का 4 का कितना आ जाएगा 16। इस टाइप से हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल। अब जैसे हमने क्या है यहाँ पे हैश यूज किया प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए, इंक्लूड क्या होता है, शामिल होना, stdio standard input output dot h means header file। अब यहाँ पे second header file हमने start की, include conio, conio header file हमने क्या की यहाँ पे start की। फिर हमने क्या डाला, void, void क्या होता है अपना, null, main क्या होएगा, program को start करने के लिए, function अपना start होता है, curly bracket open और close। अब इसके बीच में जो भी हम कोडिंग डालेंगे वो कोडिंग क्या है अपनी यहाँ पे शो करता है, कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो करेगा। अब इसमें हमने क्या डाला, इंटीजर, int क्या डाल दिया, इंटीजर। इंटीजर में वेरिएबल क्या ली हमने, a और b, वेरिएबल ये सेमीकोलन। एंटर clr str, क्लियर स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्या है, अपना सेमीकोलन यूज किया हमने। फिर हमने लूप चलाया, फोर ब्रैकेट स्टार्ट a इक्वल 1, ये कौन सी वैल्यू होगी अपनी, इंटीलाइज वैल्यू। फिर a लेस देन इक्वल 10, 10 तक अपना स्केल, अगर स्केयर आपको 20 तक देखना है तो 20 डालेंगे, 10 तक देखना है 10 तक डाल सकते हो। ए में क्या होता जाए, प्लस प्लस, ये कौन सी वैल्यू होगी अपनी, इंक्रीमेंट वैल्यू। अब जो अपना बी है, बी किसके इक्वल हो, ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या है, बी का रिकॉर्ड आ जाएगा, बी के अंदर इनका रिकॉर्ड। अब प्रिंट अप डाला हमने, प्रिंट अप किस लिए यूज करते हैं, किसी भी लाइन को प्रिंट देखने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रिंट अप, यानी आउटपुट को देखने के लिए भी प्रिंटअप का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या डाल दिया, स्लैश एन, स्लैश एन किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए।
परसेंट डी नंबर के लिए अब यहाँ पे किसको प्रिंट किया हमने, बी को, बी को क्या करवा दिया प्रिंटर, क्योंकि बी के अंदर अपना क्या है रिजल्ट है आउटपुट है, तो बी को हमने क्या किया प्रिंटर किया। कि कर्ली ब्रैकेट बंद, जो हमारी फोर वाली कर्ली ब्रैकेट ओपन थी उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। फिर हमने किसका यूज किया गेट सी एच गेट करेक्टर का यूज किया, सेमी को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद, कि जो आपने मेन वाली फंक्शन वाली कर्ली ब्रैकेट ओपन की थी उसको लास्ट में क्या करेंगे क्लोज करेंगे। एफ टू से फाइल को क्या करोगे सेव, एफ टू से फाइल हमारी क्या हो चुकी सेव हो चुकी। उसके बाद ऑल्ट एफ नाइन, ऑल्ट एफ नाइन किस लिए होता है प्रोग्राम को सक्सेस करवाने यानी एरर को चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे हम ऑल्ट एफ नाइन का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कंट्रोल एफ नाइन किया हमने तो 1 से 20 तक आपका क्या आ गया स्क्वेयर यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे 2 का स्क्वेयर कितना आ गया 4, 3 का स्क्वेयर कितना आ गया यहाँ पे 9। इस टाइप से 1 से लेके और जहां तक आपने टेक्स्ट कंडीशन डाल रखी है यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके आउटपुट को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या स्क्वेयर, जो स्क्वेयर आपका वो आपको कहाँ तक देखना है हमने डाल दिया यहाँ पे 15। अब अपना जो स्क्वेयर है वो 15 तक दिखाएगा, कंट्रोल एफ नाइन किया तो कहाँ तक दिखाएगा 15 तक, यानी कंडीशन डालोगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपने आउटपुट को शो करेगा। अगर आपने कंडीशन 10 तक डाल रखी है तो 10 तक ही इसके आउटपुट को शो करता है। एफ टू से हमने फाइल को क्या किया सेव। उसके बाद नेक्स्ट अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब, फोर लूप के अंदर क्यूब। क्यूब क्या होता है घनमूल, इसमें स्क्वेयर और क्यूब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यूब क्या होता है अपना घनमूल हो गया, स्क्वेयर क्या हो गया वर्गमूल, यानी इनमें जो प्रोग्राम जो आउटपुट है वो अपना चेंज होता है लेकिन थोड़ा सा मेथड ही चेंज करना होता है इसमें। कैसे करेंगे वो, यहाँ पे हैश यूज किया, इंक्लूड शामिल होना stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल, ये हेडर फाइल हमने स्टार्ट की, सेकंड हेडर फाइल फिर स्टार्ट। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला कोनियो डॉट एच, कोनियो की फुल फॉर्म क्या होगी अपनी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। फिर हमने डाला void main, void main क्या होता है यानी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यहाँ से अपना फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बीच में कोडिंग फिल करेंगे, क्या फिल कर, अब यहाँ पे कोडिंग फिल की हमने, कोडिंग के अंदर यहाँ पे क्या फिल किया int इंटीजर, इंटीजर क्या होता है अपना डाटा टाइप होता है, int क्या है इंटीजर डाटा टाइप। अब इसमें क्या डाला हमने ए बी वेरिएबल सेमीकोलम एंटर clr scr क्लियर स्क्रीन सेमीकोलम यूज किया हमने एंटर। अब जो अपना क्या लूप फोर लूप हमने स्टार्ट किया a इक्वल 1, a 1 से चले और ये कंडीशन हमारी कितने तक चले 25 तक हमारा क्यूब दिखाए, तो क्या 25 तक ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए किसका यूज करते हैं लॉन्ग इंटीजर के लिए लॉन्ग इंटीजर का यूज करेंगे, अगर आपको इससे कम लेना है तो वो अपना खाली इंटीजर में चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है a प्लस प्लस किस लिए लेते हो इंक्रीमेंट के लिए, इसके अंदर एक एक क्या होता जाएगा प्लस प्लस b इक्वल a इंटू ए इंटू ए। क्यूब में क्या होता है यानी 3 बार यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। इस टाइप से अपना क्या है ये क्यूब का दिखाएगा। फिर हमने डाला प्रिंटफ, प्रिंटफ किस लिए यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं, प्रिंट सॉरी नेक्स्ट लाइन के लिए किसका यूज करेंगे स्लैश एन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्लैश एन हमने प्रिंटफ के अंदर डाला, परसेंट डी ये किस लिए यूज करते हैं नंबर के लिए, किसको प्रिंट किया हमने आउटपुट किसके अंदर अपना बी, बी के अंदर बी को प्रिंटअप किया कर्ली ब्रैकेट वन गेट सी एच, गेट सी एच किस लिए यूज करते हैं गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट वन। एफ टू से फाइल को क्या करोगे सेव, यहाँ पे क्या है एफ टू से हमने फाइल को सेव किया बी ई डॉट सी के नाम से हमने फाइल को क्या कर दिया सेव। अब जैसे ही आपने फाइल सेव की ऑल्ट एफ नाइन करते हैं तो ये एरर को चेक करता है, कंट्रोल एफ नाइन करते हैं तो ये अपने आउटपुट को शो करता है। अब इसके अंदर क्या है यहाँ पे आउटपुट में दिखा दिया जैसे 2 का क्यूब जो है वो कितना आ गया 8, 3 का क्यूब कितना आ गया 27, 4 का क्यूब कितना आ गया 64। इस टाइप से अपना क्या है ये पहले स्क्वेयर वाले में 2 यानी b इक्वल क्या था यहाँ पे
बी इक्वल ए इंटू ए और क्यूब वाले में क्या हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए। इस टाइप से हमारे ये स्क्वायर और क्यूब दोनों प्रोग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप एक के अंदर ही बनाना चाहते हो तो एक के अंदर भी इसको फिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे क्या है एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे हमने सी वेरिएबल लिया अब इसमें क्या फिल करेंगे यहाँ पे बी के अंदर तो हमारा क्या हो गया बी के अंदर क्यूब हो गया सी के अंदर हम क्या डाल देंगे स्क्वायर डाल देंगे। अब इसमें प्रिंट ऑफ किसको करवाएंगे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या डाला हमने स्लैश सी डिवाइड परसेंट डी नंबर के लिए। अब यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दिया हमने सी को सेमीकोलन एफ टू से सेव ऑल्ट एफ नाइन किया एंटर कंट्रोल एफ नाइन करते हैं तो ए पहले वाले में क्या दिखा दिया देखो बी के अंदर हमारा किसको शो कर रहा है ये क्यूब को और सी के अंदर क्या शो कर रहा है अपना स्क्वायर को। यानी एक प्रोग्राम के अंदर भी दोनों प्रोग्रामों को ऐड कर सकते हैं। अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी इसको फिल कर सकते हैं। अलग अलग भी करके दिखाया आपको और दोनों इकट्ठा भी करके इसको दिखाया। अब इसमें क्या है अपना जो भी प्रोग्राम अब हमने करवाए उनका सभी अपना स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले ये क्या है अपना क्यूब वाले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो सभी क्यूब वाले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेंगे। कंट्रोल एफ नाइन किया अब अपने क्या है आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।